तो भाई आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2020 पोस्टपोन हो चुका है तो कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक। देखिए, कोरोना के आउटब्रेक की वजह से नीट पोस्टपोन हो चुका है और ये एग्ज़ाम हो सकता है कि जून के आखिरी में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ मेनली तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेड पेपर इज इजी, कितने स्टूडेंट ने कहा कि पेपर इजी है। दूसरा, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, और तीसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ हाई रहेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेड पेपर इज इजी, जब इजी क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो पेपर इजी रहेगा। यानी कुल मिलाकर इजी क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है नॉर्मली कट ऑफ कितना बढ़ेगा या घटेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल कॉमन रहते हैं, इस साल भी 16 लाख स्टूडेंट है तो इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। देखिए, इस साल का जो कट ऑफ होगा वो लो, इसके पीछे तीन रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है इस बार एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम मिलेगा पेपर को एडिट करने में। हो सकता है वह क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल पेपर प्रिंट हुआ नहीं होगा लॉकडाउन की वजह से, और जैसे लॉकडाउन हटेगा वो पेपर देंगे, फिर प्रिंट होगा, तब जा करके ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बटेगा। तो यहाँ पर चांसेस है बहुत ज़्यादा कि पेपर को एडिट कर सकते हैं वो, इसलिए पेपर टफ हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसा कि हमें पता है कि एनटीए के पास बहुत सारे सेट में पेपर होते हैं, 2-3-4 सेट होते हैं उनके पास, 4 सेट होते हैं, तो उसमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट करके देते हैं। लेकिन जब क्या होगा कि ऐसे में जब टाइम ज़्यादा रहेगा तो वो चार में से अच्छे पेपर को पिक करके भेज सकते हैं आपको। ऐसे क्या होता है, रैंडमली टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि पेपर जो होता है वो जनवरी या फरवरी महीने में बनता है और फिर मार्च अप्रैल में प्रिंट होता है और फिर उसको जून मई में एग्ज़ाम होता है। तो इस साल जो पेपर होगा वो टफ होगा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, और कट ऑफ भी लो जाएगा नीट 2020 का। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और ये बहुत सारे लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल का पेपर कट ऑफ लो जाएगा। आप क्या समझते हैं, वीडियो को कमेंट में लिखिएगा।